अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, आज स्मार्ट प्रैक्टिकल्स में हम पोटेशियम परमैंगनेट टाइट्रेशन जो परफॉर्म करेंगे उसकी स्टेटमेंट देख लेते हैं। डिटरमिन द परसेंटेज ऑफ मैंगनीज इन द गिवन सैंपल ऑफ पोटेशियम परमैंगनेट 4 ग्राम्स ऑफ विच हैव बीन डिसॉल्व पर क्यूबिक डेसीमीटर सोल्यूशन 0.1 मोलर फेरस सल्फेट सोल्यूशन इज प्रोवाइडेड। ओके स्टूडेंट्स, यहाँ पर आपने अगेन पोटेशियम परमैंगनेट ऑक्सीडाइजिंग एजेंट को फेरस सल्फेट रिड्यूसिंग एजेंट के साथ रिएक्ट करवाना है और ये एक रिडॉक्स टाइट्रेशन होगी और आपने सैंपल में मैंगनीज की परसेंटेज फाइंड आउट करनी है। तो मैंगनीज की परसेंटेज फाइंड आउट करने के लिए हमें पहले पोटेशियम परमैंगनेट की मोलैरिटी फाइंड करना होगी क्योंकि एक्चुअली मैंगनीज पोटेशियम परमैंगनेट में इंक्लूडेड है जी। सबसे पहले हम केमिकल इक्वेशन देखेंगे। अकॉर्डिंग टू केमिकल इक्वेशन 2 मोल पोटेशियम परमैंगनेट 10 मोल फेरस सल्फेट के साथ रिएक्ट करेगा इन द प्रेजेंस ऑफ सल्फ्यूरिक एसिड और आपके पास पोटेशियम सल्फेट, फेरिक सल्फेट, मैंगनीज सल्फेट और वाटर बनेगा। ऑक्सीडाइजिंग एजेंट और रिड्यूसिंग एजेंट की रेशियो 2:10 है, इसे 1:5 भी लिखा जा सकता है। स्टैंडर्ड सोल्यूशन इज 0.1 मोलर फेरस सल्फेट सोल्यूशन। इंडिकेटर पोटेशियम पर मैंगनेट, चूँकि ये कलर्ड कंपाउंड है तो ये खुद ही इंडिकेटर के तौर पर एक्ट करेगा। एंड पॉइंट विल बी कलरलेस टू लाइट पिंक कलर। ओके स्टूडेंट्स, इस प्रैक्टिकल के लिए जो अपरेटस हमें चाहिए उसमें ब्यूरेट को सेट करने के लिए क्लैंप और स्टैंड का सेट चाहिए। वी नीड कोनिकल फ्लास्क, ग्लास फनल, टेस्ट ट्यूब होल्डर, पिपेट एंड पिपेट फिलर। केमिकल्स में सबसे पहले हमें ब्यूरेट और कोनिकल फ्लास्क की वॉशिंग के लिए डिस्टिल्ड वाटर चाहिए होगा। हमें डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड चाहिए, फेरस सल्फेट सोल्यूशन विच इज अवर स्टैंडर्ड सोल्यूशन, इट हैज अ मोलैरिटी ऑफ 0.1 मोलर और हमें पोटेशियम परमैंगनेट सोल्यूशन चाहिए जी। परफॉर्मेंस की तरफ आए तो सबसे पहले हम ब्यूरेट को स्टैंड पर सीधा फिक्स कर लेंगे और अब हम इसको वॉशिंग देंगे। ब्यूरेट में फनल इंसर्ट करने के बाद हमें इसको एक बार डिस्टिल्ड वाटर से वॉशिंग देंगे और उसके बाद इसको पोटेशियम परमैंगनेट सॉल्यूशन से रिंस कर लेंगे। वाटर से वॉशिंग दे लेने के बाद हम ब्यूरेट को एक बार पोटेशियम परमैंगनेट से रिंस करेंगे। रिंसिंग के बाद ब्यूरेट में पोटेशियम परमैंगनेट सॉल्यूशन फिल करेंगे और फनल रिमूव कर लेंगे। फनल रिमूव करने के बाद पोटेशियम परमैंगनेट का लेवल 0 पे सेट करेंगे और 0 पे सेट करने के लिए चूंकि ये कलर्ड सॉल्यूशन है हम इसका अपर मेनिस्कस रीड करेंगे। स्टूडेंट्स, यू कैन सी हमने अपर मेनिस्कस को 0 पे सेट कर लिया है, ये हमारी इनिशियल रीडिंग होगी। ब्यूरेट इज रेडी फॉर टाइट्रेशन। अब हम चलेंगे कोनिकल फ्लास्क की तरफ जी। पिपेट फिलर की मदद से हम फेरस सल्फेट सॉल्यूशन को पिपेट में 10 क्यूबिक सेंटीमीटर लेंगे और इसको कोनिकल फ्लास्क में ट्रांसफर करेंगे। स्टूडेंट्स, रिडॉक्स टाइट्रेशंस एसिड बेस्ड टाइट्रेशन से थोड़ी सी डिफरेंट है। इनमें हमने कोई एक्सटर्नल इंडिकेटर ऐड नहीं करना होता क्योंकि इसमें पोटेशियम परमैंगनेट खुद से ही इंडिकेटर के तौर पे एक्ट करेगा। और इसमें एक एडिशनल चीज़ ये है कि हमने कोनिकल फ्लास्क में रिड्यूसिंग एजेंट या फेरस सल्फेट डालने के बाद उसमें हाफ टेस्ट ट्यूब डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड ऐड करना होता है। तो ये हम हाफ टेस्ट ट्यूब डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड लेंगे। सल्फ्यूरिक एसिड को आपने कॉशियसली यूज़ करना है, ये आपके कपड़ों और स्किन को नुकसान पहुँचा सकता है। हाफ टेस्ट ट्यूब सल्फ्यूरिक एसिड हम अपनी कोनिकल फ्लास्क में ऐड करेंगे जिसमें हम पहले से 10 क्यूबिक सेंटीमीटर फेरस सल्फेट सॉल्यूशन ऐड कर चुके हैं। स्टूडेंट्स, अब ब्यूरेट में हमारा पोटेशियम परमैंगनेट 0 पे सेट है जो कि हमारी इनिशियल रीडिंग है, हम उसको नोट कर चुके हैं। और कोनिकल फ्लास्क में हमारे पास 10 क्यूबिक सेंटीमीटर फेरस सल्फेट सोल्यूशन और हाफ टेस्ट ट्यूब डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड है। अब हम ब्यूरेट से पोटेशियम परमैंगनेट को ड्रॉप वाइज ऐड करेंगे। आप देख सकते हैं कि ऊपर से जैसे ही पिंक कलर का सोल्यूशन आएगा वो रिएक्ट करेगा, उसका कलर डिसअपियर हो जाएगा। हम टाइट्रेशन को तब तक कंटिन्यू करेंगे जब तक हमारा सोल्यूशन लाइट पिंक हो जाए। ड्यूरिंग टाइट्रेशन फ्लास्क को कंटिन्यूअसली स्वर्ल करेंगे।
स्टूडेंट्स हम एंड पॉइंट का वेट कर रहे हैं, जैसे ही हमारा सॉल्यूशन पिंक होगा दैट विल बी अवर एंड पॉइंट। ओके स्टूडेंट्स, यू कैन सी वी हैव गॉट द एंड पॉइंट। हम ब्यूरेट से पोटेशियम परमैंगनेट का एडिशन फौरन से स्टॉप करेंगे। ये आप देख सकते हैं कि ये पिंक कलर हमारा एंड पॉइंट है। अगर आपका पिंक कलर हर थोड़ी देर बाद डिसअपियर हो जाए तो आप वेट करेंगे कि जब आपका पिंक कलर 25 सेकंड तक परसिस्ट करे, उसे आप एंड पॉइंट कंसिडर करेंगे। ओके स्टूडेंट्स, वी हैव गॉट द एंड पॉइंट। अब हम अपनी फाइनल रीडिंग नोट करेंगे। ये अपर मेनिस्कस आप देख सकते हैं 10 पे है, सो हम इस रीडिंग को टेबल में नोट डाउन कर लेंगे। एक्सपेरिमेंट को दो बार और रिपीट करेंगे और हमारे पास फाइनल रीडिंग की दो मजीद वैल्यूज आएंगी, जिनसे हम वॉल्यूम की 3 रीडिंग्स कैलकुलेट कर लेंगे। ओके स्टूडेंट्स, प्रैक्टिकल हम परफॉर्म कर चुके हैं। हमने पोटेशियम परमैंगनेट सॉल्यूशन की जो 3 बार रीडिंग थी ब्यूरेट से वो नोट कर ली है, सो अब हम इसको अपने टेबल में फिलअप करेंगे और फाइनल रीडिंग से इनिशियल रीडिंग माइनस करने के बाद वॉल्यूम की वैल्यू कैलकुलेट कर लेंगे। हमारे पास वॉल्यूम की 3 वैल्यूज आ जाएंगी। ओके स्टूडेंट्स, अब हमारे पास वॉल्यूम की 3 वैल्यूज आ चुकी हैं। हम इन तीनों वैल्यूज को ऐड करके 3 से डिवाइड करेंगे तो हमारे पास कॉन्कॉर्डेंट वॉल्यूम V1 10 क्यूबिक सेंटीमीटर आ जाएगा। वॉल्यूम ऑफ पेरासल्फेट सॉल्यूशन एज वी हैड टेकन इट बाय अप्रोप्रिएट इट्स वैल्यू विल बी 10 क्यूबिक सेंटीमीटर। मोलैरिटी ऑफ पोटेशियम परमैंगनेट इज अननोन। मोलैरिटी ऑफ पेरासल्फेट सॉल्यूशन इज 0.1 मोलर, व्हाइल द नंबर ऑफ मोल्स ऑफ पोटेशियम परमैंगनेट एंड पेरासल्फेट आर 2 एंड 10 रिस्पेक्टिवली। पोटेशियम परमैंगनेट की मोलैरिटी फाइंड करने के लिए हम मोलैरिटी का फॉर्मूला यूज करेंगे, विच इज M1V1/N1 इज इक्वल टू M2V2/N2। M1 की वैल्यू हमें फाइंड करनी है। हमारे पास कॉन्कॉर्डेंट वॉल्यूम ऑफ पोटेशियम परमैंगनेट 10 था, इसके नंबर ऑफ मोल्स 2 हैं, फेरोसल्फेट की मोलैरिटी 0.1, वॉल्यूम 10 जबकि नंबर ऑफ मोल्स भी 10 थे। तो इस इक्वेशन को रीअरेंज करके कैलकुलेशन करने के बाद हमारे पास पोटेशियम परमैंगनेट की मोलैरिटी 0.02 मोलर आ जाएगी। अब स्टूडेंट्स, यहाँ पर आपने एक चीज़ का ख्याल रखना है कि पोटेशियम पर मैंगनेट के एक मॉलिक्यूल में मैंगनीज का एक एटम प्रेजेंट है। इट मींस के सॉल्यूशन में जो मोलैरिटी पोटेशियम पर मैंगनेट की है वही मोलैरिटी मैंगनीज की होगी। सो अब हम 1 क्यूबिक डेसीमीटर सॉल्यूशन में मैंगनीज की अमाउंट फाइंड करने के लिए स्ट्रेंथ का फॉर्मूला अप्लाई करेंगे। दैट विल बी अमाउंट ऑफ मैंगनीज पर क्यूबिक डेसीमीटर सॉल्यूशन विल बी मोलैरिटी इनटू एटॉमिक मास ऑफ मैंगनीज। अगर हमने यहाँ पर स्ट्रेंथ पोटेशियम परमैंगनेट की फाइंड करनी होती तो हम पोटेशियम परमैंगनेट का मोलर मास फाइंड करते हैं, लेकिन चूंकि हमने मैंगनीज की स्ट्रेंथ फाइंड करनी है तो हम मैंगनीज का एटॉमिक मास यूज करेंगे, विच इज 55। मोलैरिटी ऑफ द सॉल्यूशन इज 0.02, सो विल गेट द आंसर 1.1 ग्राम्स। अब अगर आप अपनी स्टेटमेंट पर वापस जाएँ तो अकॉर्डिंग टू स्टेटमेंट 1 क्यूबिक डेसीमीटर सॉल्यूशन में 4 ग्राम्स पोटेशियम परमैंगनेट डिजॉल्व था। इट मींस कि 4 ग्राम्स पोटेशियम परमैंगनेट में मैंगनीज 1.1 ग्राम है, सो 1 ग्राम पोटेशियम परमैंगनेट में 1.1 बाय 4 ग्राम मैंगनीज होगा, जबकि 100 ग्राम्स पोटेशियम परमैंगनेट में मैंगनीज की जो अमाउंट होगी दैट विल बी 1.1 डिवाइड बाय 4 मल्टीप्लाइड विद 100। सो द परसेंटेज ऑफ मैंगनीज इन द गिवन सैंपल ऑफ पोटेशियम परमैंगनेट इज 27.5%।